हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल न्यू क्रिएटिव एक्टिविटी। आज के हम इस पर 2016 के ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं स्प्लिट टेक्स्ट इनटू टू और मोर कॉलम्स, यानी टेक्स्ट को दो या दो से ज्यादा कॉलम्स में किस तरह बांटा जाता है। इसके साथ ही साथ आप सीखेंगे डिवाइड कॉलम्स एनीवेयर, यानी कॉलम्स को कहीं पे भी किस तरह डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप किस तरह से टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम्स में। वो दो कॉलम्स में भी हो सकता है, तीन कॉलम्स में भी हो सकता है। ये देखिए, मेनू बार में लेआउट टैब पे आप क्लिक करें और उसके बाद पेज सेटअप के सेक्शन में ये कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बाय डिफॉल्ट ये वन कॉलम में सेटेड होता है। इसे अगर टू कॉलम में करना चाहें तो टू कॉलम में कर सकते हैं। ये देखें, ये टू कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी टाइप किया जाएगा वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। ये देखें, ये हो गया इस तरह से। अभी मैंने दो कॉलम में डिवाइड किया, इसी चीज को मैं अभी तीन कॉलम में डिवाइड करके आपको दिखा रही हूं। ये देखिए, ये तीन कॉलम है, जूम से हटा के दिखा रही हूं, ये तीन कॉलम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा मार्जिन में रहे और राइट साइड में थोड़ा कम मार्जिन में रहे, या फिर राइट साइड में ज्यादा मार्जिन में रहे और लेफ्ट साइड में कम मार्जिन में रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी कॉलम के ऑप्शन में, इस मेनू में ये ऑप्शन है, ये है लेफ्ट का और नीचे है राइट का। ये देखें इस तरह से, ये राइट साइड में देख सकते हैं टेक्स्ट ज्यादा है और लेफ्ट साइड में कम है। तो यही चीज आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बीच में आपका एक लाइन हो, यानी कि जो भी कॉलम दिला रहा है दो हो, तीन हो, और या फिर किसी भी तरह से चार में भी हो, तो उसमें बीच में आपको लाइन देखना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप कॉलम्स पे क्लिक करें और यहाँ पे मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। मोर कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद कॉलम्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, ये प्रीव्यू है। अगर मैं कॉलम्स को बढ़ाती हूँ तो ये देखिए प्रीव्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसे दो कॉलम में ही रख रही हूँ। साथ ही साथ इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए विड्थ चेंज हो रहा है, यानी कि कॉलम वन का विड्थ चेंज हो रहा है, कॉलम टू का विड्थ चेंज हो सकता है, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब स्पेसिंग है, यानी कि ये जो बीच का स्पेस है उसे कैसे चेंज करेंगे। ये देखें, ये बीच का स्पेस बढ़ रहा है, इस तरह से ये बीच का स्पेस घट गया। और मैंने अभी बताया था कि इसके बीच में लाइन कैसे देनी है, तो ये देखिए ये लाइन बिटवीन का ऑप्शन है, इसे चेक कर दें। ये अभी अनचेक था, ये चेक कर दिया मैंने। यहाँ पे देखें ये लाइन आ जा रहा है, फिर से मैं दिखा दे रही हूँ। अगर मैं इसे अनचेक करती हूँ तो ये लाइन हट जाता है, और इसे चेक कर देती हूँ तो ये लाइन आ जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई टू का भी ऑप्शन है, यानी कि आप इसे होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जहाँ पे आपका कर्सर है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इसे होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहती हूँ, मैंने इसे होल डॉक्यूमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं ओके कर रही हूँ। ये देखें, ये डिवाइड भी हो गया और इसके साथ ही साथ इसमें एक लाइन दिया गया। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कॉलम को कहीं पे भी किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्प्लिट किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग में स्प्लिट ना रहे, एक पैराग्राफ रहे और उसके बाद में स्प्लिट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये तीन पैराग्राफ को छोड़कर चौथे पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, एक दो तीन पैराग्राफ मैंने छोड़ा और ये फोर्थ पैराग्राफ से मैं शुरू कर रही हूँ, यानी कि यहाँ से मैं इसे डिवाइड करूंगी। यहाँ लेआउट टैब पे क्लिक करें और जहां से भी आपको डिवाइड करना हो कॉलम को,
वहां पे अपने कर्सर को रखें और कॉलम्स के बटन पे क्लिक करें। यहां से जो मेनू ओपन होगा उसमें से आप मोर कॉलम्स पे क्लिक कर दें और कॉलम्स के डायलॉग बॉक्स से आप अपने प्रीसेट को सेट कर सकते हैं, जैसे भी सेट करना चाहें, 3 कॉलम, 4 कॉलम। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू में आप सेटिंग करें, यानी कि होल डॉक्यूमेंट में चाहिए या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड में चाहिए। तो मुझे दिस पॉइंट फॉरवर्ड में चाहिए, यानी कि ये देखें, ये प्रीव्यू दिखा रहा है, मैंने अभी ऊपर में छोड़ा था 4 पैराग्राफ, तो वो 4 पैराग्राफ यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा है सैंपल के तौर पर। तो इस तरह से हो गया, यहाँ पे आप ओके कर दें। ये देखें, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं लाइनिंग देके दिखा रही हूँ आपको। लाइन इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए ये जो कॉलम चेंज हुआ है वो कितने कॉलम में डिवाइडेड है। देखिए, लाइन बिटवीन में कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ये देखें, 3 पैराग्राफ मैंने छोड़ा था, वो है 1, 2 और 1, 3, और चौथे पैराग्राफ से मैंने इसे डिवाइड किया, तो ये डिवाइड हो गया। अब नीचे पूरे डॉक्यूमेंट में ये डिवाइड चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने एमएस वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट में कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में, और उसके साथ ही साथ उसके बीच में लाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें। लाइक और कमेंट से मुझे ये समझ में आता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया भी है कि नहीं आया है, आपके लिए मेरा वीडियो यूजफुल रहा कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा इस तरह के वीडियोस देखें और घर बैठे आसानी से फ्री में DCA फुल कंप्यूटर कोर्स को हिंदी में सीख सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि मैं जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड करूं वो सभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू रिसेंटली मिल जाए, आप वहां से देख सकते हैं और DCA कोर्स को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।